नक्सल अपराध नियंत्रण के मामले में एसएसबी और दुमका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। संथाल परगना क्षेत्र में आतंक का पर्याय माने जाने वाली तीन इनामी नक्सलियों ने एसएसबी के आईजी और दुमका पुलिस प्रशासन के सामने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों तक दुमका जिला नक्सलियों के आतंक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। नक्सलियों ने पुलिस के कई जवानों के अलावा शहीद पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलियार की निर्मम हत्या जैसी कई घटनाओं से पूरे इलाके में तहलका मचा दिया था। इसके बाद इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने के लिए कई जगहों पारा मिलिट्री बल एसएसबी की कैंपों का गठन किया गया। एसएसबी ने जिला पुलिस के साथ मिलकर इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान चलाया। अभियान के तहत न सिर्फ इनकी मांद में घुसकर मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया, बल्कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए भी प्रेरित किया। साल 2019 में क्षेत्र के जोनल कमांडर तालादा की एसएसबी और जिला पुलिस बल के साथ हुए मुठभेड़ में मारे जाने के बाद नक्सलियों का मनोबल गिरने लगा और उन्होंने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले दुर्दांत नक्सलियों की संख्या अब तक एक दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 लाख का इनामी श्यामलाल देहरी, 5 लाख का इनामी गहना उर्फ राजेंद्र रॉय और रिमिलदा शामिल था। रिमिलदा पर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अटैक करेंगे तो फिर हम तो छोड़ेंगे नहीं, उसका ठीक ठाक जवाब दिया गया जिसका नतीजा आप सबके सामने भी है। उसके बाद एक मैसेज अच्छा गया कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो गोली खाओगे। परिवार वालों से जब संपर्क किया गया, जिसमें जिला प्रशासन का काफ़ी बड़ा रोल है, उनको बताया गया कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी कितनी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। उसके कारण धीरे धीरे ये लोग सरेंडर करने के लिए प्रशासन के पास आए, पुलिस के पास आए, और प्रशासन और पुलिस ने उसको सहयोग भी किया, बिल्कुल उनको फैसिलिटेट भी किया। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 9 लोगों ने सरेंडर किया, आज 3 लोगों ने सरेंडर किया। नक्सल की जो मेन रीढ़ की जो हड्डी होती है वो हमने तोड़ डाली है। थोड़े मोड़े कुछ फ्रिंजेज रुक गए हैं, जिनको बहुत जल्दी या तो उनको हम सरेंडर करवा लेंगे या फिर वो कानून के हवाले होंगे। अभी मुख्य नक्सलियों के दहशतगर्दी के लिए बदनाम दुमका जिला को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में दुमका पुलिस का एक और सफलतापूर्वक कदम। आज दुमका में 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इससे एक तरफ जहां पुलिस का मनोबल बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ जनता भी राहत की सांस ले रही है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।